नहीं देख पाए तो उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है उसमें तरफ तरफ के। देखिए कितनी जगह से ये डैमेज हो गया है, बेचारा मासूम जीव है ये, नॉन वेनमस है, धामन सांप जिसे बोलते हैं, रेड स्नेक। My mom also woke up from her sleep to see. Oh, I'm so sorry. I'm doing video now. We don't have a video now. See this one. बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया इधर भी, इसका स्किन ये हुआ है, ये देख कट गया है। Probably knows that he's being free now. That is so impossible. बहुत बहुत बड़ा होगा, लाइट बल्ब आ जाएगा। दुख ना रहे? दुखतापण तो उरलंय ना न्हू, सगळे दुखत असतले, बॉडी फिट लागला की दुखत रे। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी आपने देखा कि हमने इस रेड स्नेक का रेस्क्यू कैसे किया। ये बहुत बुरी तरह के से जाल में फंस के
बहुत घायल हो गया है। उस टाइम हमने इसको फिलहाल, उस टाइम बारिश बहुत हो रही थी तो हमने एक हल्दी का पाउडर इसको लगाया था ताकि ये थोड़ा इन्फेक्शन ना हो उसके घाव को। और अभी आप देख सकते हैं, इसका भी बहुत जगह से देख सकते हैं स्किन का क्या हालत है। तो थोड़ा भी हम इसको क्लीन करके इसको भी बैंडेज पट्टी करेंगे और रखेंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। पूरा डालो। इसका भी चमड़ी बहुत बुरी तरीके से छिल गया है। वो जो पतला वाला नेट रहता है वो बहुत खतरनाक रहता है, जो फिशिंग नेट होता है मछली पकड़ने का वो बहुत खतरनाक होता है। कोई भी इस तरह के अगर जानवर उसमें फंस जाए तो वो उसका आखिरी दिन साबित होता है। बहुत बुरी तरीके से तरप तरप के उसमें उनकी जान चली जाती है। फिलहाल जिसको किसी ने देख लिया और हम जैसे स्नेक रेस्क्यूर को बुलाया तो उसका रेस्क्यू करके हम तो बचा लेते हैं उन्हें, लेकिन जो नहीं देख पाए तो उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है उसमें तरप तरप के। देखिए कितनी जगह से ये डैमेज हो गया है। बेचारा मासूम जीव है, ये नॉन वेनमस है, धामन सांप जिसे बोलते हैं, रेड स्नेक। और किस तरह इंसानों की गलती के वजह से ऐसे जीवों की जान खतरे में आ जाती है। क्या गलती बेचारे इस जीव की। ये तो अपने खाने की तलाश में किसी के घर के पास गया, इसे क्या मालूम उधर लोगों ने क्या क्या बिछा के रखा है जाल। बहुत दुख हो रहा है इसकी हालत देख के। पतला नेट रहता है जाल, वो इतना पतला रहता है कि इनकी चमड़ियों को आराम से फाड़ सकते हैं। और देख सकते हैं अब इसकी हालत बेचारे की। एक एक जगह दवाई लगा के तो अलग अलग बांधना पड़ेगा। यहाँ लगाते हैं इसको सब कर। एक दो जगह रहता ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं था, कितना जगह इसको बेचारा जाल में फंस। दो जगह और बाकी है। वो गाड़ी में से सांप नहीं निकला? देखो इसकी हालत कितनी जगह इसको बैंडेज पट्टी करना पड़ा है। और भी इधर है तो थोड़ा देखो, चलो आज का बैंडेज हो गया, अब इसको रखते हैं और कल फिर इसका बैंडेज चेंज करेंगे। देखेंगे बेचारा जितनी जल्दी ठीक हो जाए, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे।